यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी में गोपनीयता रखने के लिए पात्र का नाम बदल दिया गया है। किसी भी घटना का समानता होना एकमात्र संयोग है। इस कहानी को रोमांचित बनाने के लिए कुछ घटनाओं और पात्रों को बदल दिया गया है। कहानियां दी अनटोल्ड पेश करता है। क्या ये वही हाथ है? दोस्तों, हमारी इस जिंदगी में हर दिन हमारे साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटित होते रहते हैं और हम उस घटना को भूलकर नई यादों के बीच अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसको हम पूरी जिंदगी भूल नहीं पाते। कुछ ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ जिसको वह आज तक भूल नहीं पाया। छलावे के माया में ऐसे फंस चुका था जिससे मानो उसकी जिंदगी में भूचाल सा आ गया हो। उस रात को वह कैसे बच गया था यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपको लगता है कि आपकी कहानी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए, तो नीचे दिए गए ईमेल पर हमसे संपर्क कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कहानियाँ दी अनटोल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे चैनल पर आए सभी कहानियाँ सबसे पहले सुन सके। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप आर्यन, आपका हमारे चैनल कहानियाँ दी अनटोल्ड पे स्वागत करता हूँ। बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं ताकि आप तैयार हो जाएं रहस्यमय घटनाओं तथा डरावनी कहानियों की रोमांचक सफर पे। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब पूरे इंडिया में राज फिल्म की चर्चा थी। हर तरफ एक ही विषय की बातें हो रही थी कि राज फिल्म हॉल में लगी है और उसे जो कोई भी इस फिल्म को रात के अकेले में देखेगा उसे इनाम के तौर पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। दिन के समय इस फिल्म को देखना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन रात के समय सभी शेर बनने वाले लोगों की खिड़की बंद जाती थी। एक ऐसी भी मान्यता है कि इस फिल्म में जो चीख थी वो एक रियल चुड़ैल की चीख थी। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से शहर बेतिया जिला पश्चिम चंपारण की कहानी है। चार दोस्त अखिल, विजय, रौनक और अर्जुन एक ही क्लास के हम उम्र मित्र थे। वे सभी एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। जब उन चारों ने उस फिल्म के बारे में सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इस फिल्म को रात को देखने जाएंगे कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि 50,000 का इनाम रखा गया है। दोस्तों, 2002 के आसपास 50,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी। रात के समय हॉस्टल से निकलना मना था, यही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन उन चारों ने ठान लिया कि रात्रि का खाना खाकर वह हॉस्टल की दीवार को फांद कर मूवी देखनी चाहेंगे। करीब रात्रि के 9 बजे सभी खाना खाकर दीवार फांद कर हॉस्टल से निकल गए। 10 बजे वाला शो उन्हें देखना था, इसलिए उनके पास पर्याप्त समय था हॉल तक पहुंचने के लिए। वे सभी टहलते हुए हॉल के रास्ते में बढ़ने लगे। तभी एक बूढ़ा उन्हें दिखा जो उनके सामने से आ रहा था। पास पहुंचने पर उस बूढ़े ने हाथ के इशारे से रुकने को कहा। वे चारों रुक गए। बूढ़े ने उनसे पूछा कि वे इतनी रात को कहाँ जा रहे। वे चारों बूढ़े की बात से हंसकर बोले, भूत देखने आप भी चलोगे? और ऐसा कहकर चारों जोर जोर से हंसने लगे। बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही गंभीर हो गया और ऐसे चेतावनी भरी आवाज में बोला, बेटा, रात को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वे सभी बूढ़े इंसान की बात को अनसुनी करके आगे हंसते हुए निकल गए। करीब 9:45 तक वे सभी हॉल पहुंचे। सभी टिकट लेकर हॉल में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अखिल, विजय और रौनक को एक साथ सीट मिल गई, लेकिन अर्जुन को उसके सामने वाली सीट जो थोड़ी सी नीचे थी वो वाली सीट मिली। इंटरवल तक सब बहुत ही आसानी से फिल्म देखे।
लेकिन फिल्म में कुछ जगहों पर डरावनी चीख से चारों की हालत खराब हो गई। डर का अजीब सन्नाटा पूरे हॉल में फैल गई। फिल्म समाप्त होते होते पता ही नहीं कैसे अर्जुन को नींद आ गई और वह सामने ऐसे झुककर सो गया जिससे उसके पीछे बैठे तीनों दोस्तों को दिखाई ही नहीं दिया। फिल्म समाप्त होने के बाद वे अर्जुन को सामने नहीं देखे जिससे उनको यह लगा कि शायद डरकर वह हॉल से निकल गया हो। तीनों आपस में हंसते हुए बात करते हॉल से निकल गए। हॉल के बाहर भी अर्जुन कहीं नहीं दिखा जिससे विजय को थोड़ी चिंता हुई। उसने कहा, यार ये अर्जुन कहीं नहीं दिख रहा। तो अखिल और रौनक बोले, अरे वो डरकर भाग गया होगा, हॉस्टल हम लोग भी चलते हैं, देखो 1 बज गए हैं, कहीं वार्डन हम लोगों को रात को ऐसे बाहर देख लिया तो हमारी खैर नहीं। थोड़ी देर हॉल के पास ही इंतज़ार करने के बाद वे तीनों हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। इधर अर्जुन हॉल में ही सो रहा था। हॉल पूरा खाली हो चुका था जब हॉल का गार्ड पूरे हॉल की सीटों को चेक करने और बंद करने आया तो उसने देखा कि बीच के सीट पर कोई लड़का सो रहा है। गार्ड अर्जुन के पास जाकर उसे जगाने लगा। अर्जुन हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, सब कहाँ गए, फिल्म समाप्त हो गई क्या? गार्ड ने कहा, फिल्म कब का समाप्त हो गई है? अर्जुन थोड़ा चिंतित और भयभीत होते हुए बोला, मेरे सारे दोस्त मुझे अकेला छोड़ के चले गए, अब मैं हॉस्टल कैसे जाऊंगा? गार्ड ने कहा, परेशान मत हो, अभी बहुत रात हो चुकी है तो तुम मेरे केबिन में ही सो जाओ, सुबह उठकर चले जाना, और वैसे भी रात के समय अकेले कहीं जाना सही नहीं है। अर्जुन ने कहा, नहीं मुझे हॉस्टल जाना ही है, अगर सुबह तक मुझे हॉस्टल में नहीं देखा गया तो घर पे कंप्लेंट चला जाएगा। इतना कहकर वह हॉल से बाहर निकल गया। रात्रि का दूसरा पहर हो चुका था। अर्जुन सुनसान रास्ते पे अकेले चला जा रहा था तभी अचानक उसे दूर से एक चमचमाती हुई तेज रोशनी में कोई चीज़ सड़क पर पड़ी दिखी। पास जाकर देखा तो वह एक बेशकीमती अंगूठी थी। वह खुश होकर अंगूठी को अपनी ऊपर वाली जेब में रख लिया। मन ही मन खुश होते हुए वह आगे बढ़ रहा था कि उसे बहुत ही कीमती अंगूठी मिली है। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही पल बाद उसकी किस्मत में क्या अनहोनी घटना घटित होने वाली है। कुछ दूर बढ़ने पर उसकी जेब धीरे धीरे भारी होने लगी। वो अपनी जेब में जैसे ही हाथ डाला उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ अधकटा हाथ था। डर के मारे वो अपनी जगह पे फ्रीज हो गया। जैसे तैसे अपने आप को वह संभाला और उस हाथ को फेंक कर बेतहाशा होकर भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद उसे खेत में एक किसान काम करते हुए दिखा। अर्जुन ने जब उस किसान को देखा तो थोड़ी राहत की सांस लेते हुए वहां पर रुक गया। किसान अर्जुन के पास जाकर पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को भाग क्यों रहे हो? अर्जुन अपनी सारी कहानी उस किसान को सुना दिया। जब अर्जुन अपनी पूरी बात खत्म करके किसान की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। किसान के चेहरे की भाव अब बदलने लगे। किसान ठहाके लगाते हुए अपने हाथ पीछे किया और उसी अधकटे खून से सनी हाथ को अर्जुन को दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही हाथ है? अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह बस वहां से आंखें बंद करके भागने लगा। कुछ ही दूर भागने के बाद उसे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। हाथ दिखाकर वह रिक्शे वाले को रोकते हुए बोला, मुझे प्लीज मेरे हॉस्टल तक छोड़ दो, जितने पैसे बोलोगे दे दूंगा। रिक्शे वाले ने अर्जुन से कहा, अरे थोड़ी सांस लो, हुआ क्या है ये तो बताओ। अर्जुन रिक्शे पे बैठकर अपने साथ घटी सभी घटनाओं को बताया। रिक्शे वाला अचानक रिक्शे को रोका और पीछे मुड़कर वही अधकटी हाथ दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही हाथ है? अर्जुन को मानो जोर से बिजली का झटका लगा हो। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। तेजी से रिक्शे से उतरा और एक ही दिशा की तरफ भागने लगा।
भागते भागते उसने देखा कि एक हॉस्पिटल खुला हुआ है। वहाँ पे लोगों की चहल कदमी हो रही है। वह पूरी ताकत लगा के हॉस्पिटल की तरफ भागा और हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंचकर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया तो उसने देखा उसके आसपास कुछ नर्स और एक डॉक्टर और कुछ लोग खड़े हैं। डॉक्टर ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम भागकर क्यों आ रहे थे और इतना घबराए हुए क्यों थे? अर्जुन इतने लोगों को अपने पास देखकर थोड़ा सुकून से सांस लिया और पूरी घटनाओं को बताते चला गया। जब उसकी बात खत्म हुई तो उसने देखा उसके आसपास सभी क्रूरता भरी नजरों से मुस्कुरा रहे हैं। और तभी डॉक्टर ऐसे पीछे हाथ ले गए और उसी अधकटे खून से सने हाथ को दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही हाथ है? ऐसा कहकर वहां सभी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। अर्जुन को अब देर नहीं लगी समझने में कि वह छलावे का शिकार हो चुका है और फिर से पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। तभी दूर से उसका हॉस्टल नजर आया। देखा कि उसके हॉस्टल का गार्ड गेट पर ही खड़ा है। वह गार्ड के पास जाकर हाँफते हाँफते बैठ गया। गार्ड अचंभे से अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, तुम अभी इस समय हॉस्टल के बाहर क्या कर रहे हो? अर्जुन गार्ड को बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं रात को हॉस्टल से निकलकर फिल्म देखने चला गया था। और रोते रोते अपनी पूरी आपबीती सुना दिया। जैसे ही अर्जुन अपनी पूरी बात को खत्म किया, उसका ध्यान हॉस्टल के टेरेस पे गया। उसने देखा कि वही किसान, रिक्शे वाला, नर्स और डॉक्टर सभी एक साथ उस अधकटी हाथ को दिखाकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अर्जुन हड़बड़ाकर गार्ड को इशारे से दिखाते हुए बोलता है, हाँ, ये वही हाथ है। ऐसा कहते हुए वह धीरे धीरे गिरने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती चली गई। जब अर्जुन को होश आया तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उसे पता चला कि करीबन 4 महीने से उसे होश ही नहीं आया था। जब घर वालों को वह अपनी पूरी बात बताया तो किसी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ।